गाइस हम यहाँ पर आए थे लिविंग एलोन जो वीडियो है ना उसका लास्ट शूटिंग के लिए। इधर देख सकते हो कितना शूटिंग है। और जो लास्ट शूटिंग वसीम भाई पानी में डूब गया था ना, वो उस नदी में डूब गया था और उसी वजह से पहले तो उसको सर्दी नहीं लग रही थी, अभी देखो कितना कांप रहा है सर्दी में से बहुत कांप रहा है अभी, देखो जूता पहन रहा है। और गाइस आप लोग देख सकते हो वीडियो के शूटिंग के लिए हम कहाँ तक आगे हमको मालूम ही नहीं चला। और गाइस यहाँ से करीब बहुत दूर होगा, आप लोग पैदल के सिवा और किसी से आ नहीं सकते, लेकिन हमने जो मॉडिफाई बाइक किया था ना वो लेके आ गया, क्योंकि इसका जो है टायर है ना बहुत लंबा छोरा है और मोटा भी है। अरे बाबा बहुत मोटा है भाई। और देखो वसीम भाई, इधर वसीम भाई को देख पूछते हैं कुछ। वसीम भाई कैसा ठंड लग रहा है, पहले तो पानी में घुस गया था ना यार भाई क्या बताओ। सो गाइस इस वीडियो को शूट करते टाइम मुझे मतलब थोड़ा सा भी फील नहीं हुआ कि पास में कोई इंसान है भी या नहीं, या फिर मैं मतलब कैमरामैन को भी मतलब नहीं देख रहा था, ठीक है ना। सो मतलब इस वीडियो में मैं करीबन 24 दिन से काम कर रहा हूँ आज से, और अभी जाके जो है आज लास्ट शूट किया हूँ। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने का कोशिश कर रहा था कि जब हम लोग सोचते हैं ना कभी कभी फ्रेंड्स कि दुनिया में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, सो शायद मैं अकेला होता है इस दुनिया में। तो एक बात बताओ फ्रेंड्स, अकेला आप जी नहीं सकते हो, और इंसान का बिना इंसान तो बिल्कुल जी नहीं सकता है। यही चीज़ मैं दिखाने का कोशिश कर रहा था। और गाइस जिस दिन से मैं ये वीडियो शूट कर रहा था ना, फर्स्ट दिन तो मुझे नींद आ गया है, और सेकंड दिन से ही मतलब मैं खाली सोचता हूँ कि कब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। वो पार्ट अपलोड किया हूँ, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिए हो हमारा टीम को, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, आप लोग देख सकते हो कितना घना जंगल में हम लोग आ गया था। यानी मैं आप लोगों को सच में दिखाने का कोशिश कर रहा था कि हम लोगों का कैमरा का सामने एक भी आदमी ना आए, तो इसलिए जो है इस तरह का लोकेशन में आ गया। और फ्रेंड्स आज का दिन में दुनिया में इतना पॉपुलेशन होने का बाद भी आप लोग देखिए यहाँ पर एक भी आदमी नहीं है, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरा एक कैमरामैन लेके आया हूँ मैं, और टीम का बाकी मेम्बर भी नहीं लेके आया हूँ, क्योंकि एक ही शूट करना था मुझे, ठीक है, तो इसलिए आया हूँ। और जाते जाते जो है आप लोगों को मैं इस लोकेशन को दिखाऊंगा, मतलब कैसे कैसे हम लोग इस बाइक से आया हूँ, कितना रास्ता वास्ता तो है ही नहीं। और गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पर इस ब्लॉग में और एक चीज़ दिखाऊंगा, हम लोगों का मिस्टर इंडियन हैकर ने जहाँ पर मतलब गाड़ी का मतलब एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाता है ना पानी में उतार देता है, वो चीज़ भी आप लोगों को दिखाऊंगा। गाइस ये देख सको कितना सुनसान जगह, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट चीज़ दिखाता हूँ। गाइस देखो वसीम भाई के वीडियो के शूट में दाढ़ी भी नहीं काटा, देखो कितना लंबा हो गया वसीम भाई, पूरा दिख रहे हो, दाढ़ी काट लो भाई। ये डायरेक्टर ने वैसे ही कहा था, सो आप लोगों को पता है जयंता सेन सोया हम लोगों का डायरेक्टर है, उन्होंने जिस तरह से वीडियो शूट करने बोलता है मैं उस तरह से ही मतलब कोशिश करता हूँ। और हम लोगों का टीम का मेम्बर जितना भी है ना, मतलब कैमरामैन भी अगर बोल देता है कि भाई शूट अच्छा नहीं है तो उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, देता हूँ ना। हाँ भाई देता हूँ, लेकिन एक बात बताइए, कुछ खाता भी नहीं है, बोल रहा है कमज़ोर दिखना पड़ेगा ना, कुछ कहा नहीं। कितना भाई इधर कोई रास्ता दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है ना, रास्ता तो नहीं है। देख हम कहाँ कहाँ से आपके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आए गाइस, सिर्फ आपके खुशी के लिए हम आए, इतना मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियो में जाके एक बार वीडियो देख लेना, लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना भाई, देखो बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। फ्रेंड्स हमारा कैमरा मैन का आज मुँह खोला है, क्योंकि यहाँ पर जंगल है कोई तो है नहीं, तो इनको मैं इतना दिन से बोल रहा था कुछ बोलो वीडियो में, तो कभी कुछ नहीं बोला था, ठीक है। तो आज जो है जंगल में आके ये मुँह खोल रहा है, और गाइस जगह में हम लोग आया था। तो गाइस अभी हम लोग आप लोगों को मिस्टर इंडियन हैकर का वीडियो बनाने का प्लेस दिखाएंगे, ठीक है। तो गाइस तो वेट करो भाई, देखो ना सुनसान है भाई, मैं क्यों नहीं बोल रहा था पता है ना, वो लोगों के सामने मुझे शर्म आता है इसलिए नहीं बोलता हूँ मैं। तो गाइस मैं अभी आप लोगों को हमारा मिस्टर इंडियन हैकर जहाँ वीडियो शूट करता है, यानी एक्सपेरिमेंट वीडियो कार और पानी में दबा देता है ना, सिर्फ उसी तरह का लोकेशन है, और हमारा असम में भी है इस तरह का लोकेशन, आप लोग एक बार उस तरह देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का मिस्टर इंडियन हैकर ने गाड़ी को डुबा दिया था, है ना फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स ये रियल नहीं है, ये हम लोगों का असम का है, और मिस्टर इंडियन हैकर का जो स्टूडियो का पीछे में जो मतलब नदी है ना वो भी मतलब ऐसा ही है ना। धीरे 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 चलाओ रे, गिर जाऊंगा। हमारा गाड़ी सब जगह चलता है फ्रेंड्स, तो इस तरह जब हम लोग आ गया था क्योंकि काफ़ी जंगल।
गाइस हम लोग सिर्फ एक मिनट का एक शूट के लिए यहाँ तक आया था और हम लोगों को अभी काफ़ी दूर तक जाना भी है ना। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा बोल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप लोग मेरा फैन हो, है ना। गाइस इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं और आप लोग जाके हम लोगों का लिविंग एलोन इन द आर्ट एक बार देख लीजिएगा। तो बाय 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 फ्रेंड्स। वो कैमरामैन बोल, चल भाई बाय बाय, अभी बहुत दूर जाना है, ध्यान से जाना, ठीक है ना। तो चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच, चलते हैं।